श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर आते हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जिसमें केंद्रीय मंत्री आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय राम माधव जी, आदरणीय रविंद्र रैना जी, जम्मू से आए हमारे सभी अतिथिगण, सलाथिया साहब, ददीची जी, बनकोटिया साहब, हमारे स्थानीय आचार्य जी तथा सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित किश्तवाड़ की सभी राष्ट्रभक्त जनता, मुझे लगता है आज जो कार्यक्रम श्रद्धांजलि का यहाँ पे हो रहा है, यह हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत ज्यादा रहा है। जिस प्रकार से एक विद्यालय में बड़ा भाई पांचवी या आठवीं में पढ़ रहा हो और दूसरा भाई फर्स्ट में प्रवेश कर रहा हो, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस विद्यालय में मेरा और अनिल जी का संबंध रहा है। अनिल जी लगातार इस किश्तवाड़ में पिछले 30 सालों से संघर्षरत रहे और बड़े नजदीकी से मेरा भी इस संघर्ष में उनको साथ रहा। राजनीतिक पार्टियों के मतभेद के बाद भी हमारा एक नैतिक जो रिश्ता था वो बहुत मजबूत रहा और बहुत सारी बातें मैंने जीवन में धारण की जो उनसे मैंने देखी, जो उनसे मैंने सीखी, मैं यहां के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व जम्मू से आए हुए अतिथि तथा यहां पर बैठे हुए समस्त देशभक्त जनता को एक आश्वासन जरूर देना चाहता हूं। किश्तवाड़ भारत का एक ऐसा कोना है, एक ऐसा आखिरी कोना है जहां पर भारतीय सेना के अलावा भी यहां की राष्ट्रभक्त जनता हमेशा राष्ट्रद्रोही लोगों के साथ लड़ती रहती है। और उसी लड़ाई का एक परिणाम है कि 1 नवंबर को हमारा द्वारा एक योद्धा जो इस राष्ट्रभक्ति की लड़ाई में हमेशा अग्रसर रहते थे, हमने उसे गवा बैठा, हम उसे गवा बैठे। लेकिन जिस प्रकार से यहां की जनता, विशेषकर यहां का नौजवान अपने हौसलों को पस्त न होते हुए उस देशद्रोही ताकतों के साथ लड़ने के लिए खड़ा उठा है, मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पूरा देश किश्तवाड़ की इस लड़ाई के साथ है। हम तुरंत यहां से एक वरिष्ठ नागरिकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष कर रहे थे, अपने राष्ट्रीय नेताओं से हम मिले, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गवर्नर साहब, एडवाइजर्स तथा चीफ सेक्रेटरी, और जिस प्रकार का प्रॉम्प्ट एक्शन उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कुछ यहां पे हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी दिखा, वो सराहनीय है। उससे यहां की देशभक्त जनता का एक हौसला बढ़ा है। विशेषकर हमने पहली डिमांड एनआईए प्रोब की थी, इमीडिएट यहां पे एक एनआईए टीम आई जो इस की जांच कर रही है, और जिस प्रकार से हम जितने भी सूत्र हमारे हैं, जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं, लगभग ये जो हत्या, ये जो कुर्बानी इन्होंने हमारी हुई है, इसकी जांच लगभग पूरी होने वाली है और सारी परतें इसमें खुल रही है। एनआईए का भी इसमें काफी सहयोग है। ये पहली डिमांड हमारी विद इन नो टाइम पूरी हुई। हमने परिवार को
हौसला देने के लिए, हालांकि जो क्षति हुई है परिवार को, समाज को, पार्टी को, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन दोबारा से परिवार अपने पांव पे खड़ा हो सके, हमने ये निवेदन किया था अपने नेतृत्व से, विशेषकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, कि जब आप 13वें दिन पे आएंगे तो जो एक नियम है परिवार के दो लोगों को जो जॉब मिलना चाहिए वो 13वें दिन तक मिल जाना चाहिए, वरना हौसला टूट जाता है। हम आभारी हैं इन्होंने आज वो दो जॉब्स का जो ऑर्डर है वो भी साथ लाया, इसके लिए भी मुझे लगता है कि हमारी सरकार या हमारा नेतृत्व काफी चिंतित है। इसके अतिरिक्त भी बहुत ज्यादा हमने मांगे रखी थी जो हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आश्वासन दिलाना चाहता हूँ यहाँ के तमाम समस्त राष्ट्रभक्त जनता को कि जब तक हमारा खून का आखिरी कतरा भी हमारी रगों में है, आप चिंता नहीं करिए। अनिल परिहार जी की कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, उनकी इस कुर्बानी से प्रेरणा लेके हम यहाँ की राष्ट्रभक्ति की जो लड़ाई है उसको अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। यहाँ पर किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और थोड़े से भुलेखे में भी अनिल जी रहे, सिक्योरिटी गार्ड्स को कहीं वापस भेजा था, लेकिन जिस प्रकार का एक वातावरण यहाँ पे बना था उस वातावरण को मुझे लगता है रिशेट करने की जो कोशिश की गई है, हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं यहाँ के समस्त देशभक्त जनता को, पूरा देश हमारे साथ है, आखिरी सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और दुश्मन को परास्त करेंगे। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात कर रहा था, इनकी भी सहायता से और मैं भी अपने इसमें जो हमारी निधि होती है उससे दोनों से कंबाइन करके यहाँ पे एक स्मारक के नाते हम एक निर्माण करेंगे, जिसमें जितने भी हमारे जो इस लड़ाई में शहीद हुए हैं उनका जीवन परिचय होगा, वो एक स्मारक के रूप में रहेगा, वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेगा। मैं उसकी भी घोषणा यहाँ पे आज करना चाहता हूँ। अंत में चूंकि समय बहुत कम है, मैं दोबारा से अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इन दोनों वीर योद्धाओं को और अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।